नोएडा के सेक्टर 29 में हर रोज 2 घंटे के लिए ये रसोई अपना दरवाजा खोलती है। सिर्फ 5 रुपए दाल चावल सब्जी अचार और प्यार से भरी थाली से लोगों का पेट भरने के मकसद को पूरा करती है। अचार खाएंगे नहीं? भोजन कोई भी खिला सकता है, लेकिन जरूरतमंदों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराना ये दादी की रसोई का एक मकसद है। चावल है, देसी घी है, पौष्टिक है, उसके अंदर सब्जियां इतनी ज्यादा रहती हैं, 5 रुपए में किसी का पेट बड़ा आराम से भर जाता है। 5 रुपए इसलिए रखेगी, आदमी का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आता है 5 रुपए में। वो और सब्जी देना जरा सी, थोड़ा सा अचार दीजिए। हमारे यहाँ स्वीपर्स भी आते हैं, माली आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, हो सकता है उसका मालिक भी उसके पीछे खड़ा हो। जो लाइन में लग गया उसे भोजन देना है, उससे एक इक्वलिटी की भावना आ जाती है। फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये कुछ चल ही नहीं सकता था। मम्मी तो बिल्कुल हमारी गब्बर सिंह स्टाइल होती है, कितने आदमी थे, आज रोज आके पूछती है कितने आदमी ने खाना खाया। शुरुआत कम से ही करी, धीरे धीरे करके 100 बड़े, फिर 150, 200, अब 400-500 लोग हो गया है। सबने पार्टिसिपेट करा। सब्जी वाला बोला साहब मैं आपको मंडी के रेट देना चाहता हूँ। अब वहाँ के रेट और यहाँ के रेट में तो बहुत फर्क है। और हम चीफ रेट लगा देते हैं उनके लिए, वो समाज सेवा करते हैं तो हम भी सहयोग कर देते हैं। 300 रुपए किलो देसी घी कौन दे देगा आपको, मुझे मिलता है। तो इस तरह से हमने देसी घी डालना शुरू कर दिया उसके अंदर छौका। आम आदमी की बस की बात नहीं है जो ये इतना अच्छा खाना खा सकता है 5 रुपए में। इसमें कई एक प्रकार की सब्जी होती है, घर पे भी नहीं बन पाता है। स्वाद घर जैसा ही है, इसलिए मैं खींचे चलाता हूँ। हम तो देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं सुना हूँ कि गंगा शॉपिंग के बाहर से भी आते हैं खाने के लिए। अपनी शादी सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन की मील का खर्चा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एक्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इज दिस। जब वहाँ उनके चेहरे की खुशी देखते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप। कई बार लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोले भाई साहब ये चलाते रहोगे ना, मैं जब तक 5 रुपए का सिक्का सरकार बंद नहीं कर रही है तब तक रेट हमारा 5 ही रुपए रहेगा, तुम चिंता ही मत करो। मुझे यहाँ के खाने में अचार अच्छा लगता है, यहाँ पे आने में मजा भी आता है। खाना मतलब दादी की रसोई। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, अब समाज को लौटाने का वक्त आ गया। इसे करने के लिए आदमी का पैशन होना चाहिए। मैं एंजॉय करता हूँ इसलिए करता हूँ। रजनीगंधा पर्ल्स अनूप खन्ना जी के समाज के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। उनके द्वारा शुरू की दादी की रसोई की अच्छाई की चमक ही है जो उन्हें पर्ल्स ऑफ इंडिया बनाती है।